नमस्कार दोस्तों, मैं रामकलास यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूं कि दूध डेयरी मशीन में गड़बड़ी है तो हम किस तरह से उसे पता कर सकते हैं, या कोई दिक्कत हो गई, हमारा फैट स्नेप कम आ रहा है, पहले ज़्यादा आता था फिर बाद में कम हो गया है, तो हमें नुकसान जाता है, हमारे किसान भाइयों को नुकसान जाता है, तो हम किस तरह से जो है पता कर सकते हैं कि दूध डेयरी के मशीन में गड़बड़ी हो गई है या खराबी हो गई है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बता दूंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे कि दूध डेयरी की मशीन में गड़बड़ी है, इसको रिपेयरिंग कराया जाए, इसकी मरम्मत कराई जाए, इसे सर्विस सेंटर भेजा जाए। आप लोग भी कह सकते हैं जब आप लोगों को पता होगा तब। तो किस तरह से आपको पता होगा, तो इसी बात दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पे क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो हमारा आपको मिलता रहे और आप हमारा हर वीडियो देख सकें। और दोस्तों आपको मन कोई सवाल रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के हम रिप्लाई देंगे या तो उसके हिसाब से आपको हम वीडियो बना कर देंगे। आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर कि दूध डेयरी में खराबी है गड़बड़ी है तो हमें किस तरह से पता करना है। आप दोस्तों जब भी दूध देते होंगे तो देखते होंगे एक मशीन में आपको पर्ची मिलती है, तो उस मशीन के अंदर सारा सिस्टम रहता है, यानी कि टोटल दूध का जो है गिनती होता है उस मशीन के अंदर कि टोटल दूध हुआ कितना। जैसे मान लीजिए सुबह में उनके पास दूध है 100 लीटर और उसका टोटल दूध का फैट स्नेप कितना है, ये आपको देखना है। आपको अगर पर्ची निकालना नहीं आता, वहाँ से नहीं जानते, अगर वो आपको पर्ची नहीं निकालना, टोटल दूध का पर्ची कैसे निकाला जाता है अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको वीडियो हम बनाकर दे देंगे। तो आप जैसे ही वहाँ बटन दाबेंगे खटखटखट पूरी टोटल पर्ची निकलेगी, माना मतलब कि सुबह का ही पर्ची निकालना है टोटल दूध का, तो उसमें टोटल दूध लिखा रहेगा, फैट लिखा रहेगा और एसएनएफ की मात्रा लिखी रहेगी। वो लोग भी अपने रजिस्टर में उतारते हैं, वहाँ पर रजिस्टर होता है कुछ इस तरह, तो उस रजिस्टर में क्या है कि नोट करते हैं वो लोग भी कि दूध कितना है, फैट कितना है, एसएनएफ कितना है। अब इसमें आपको पता किस तरह होगा कि दूध जो हम आपको इनको दे रहे हैं, हाँ इनकी मशीन सही है या खराब है, इसमें मेन पॉइंट यहाँ आपको पता चलेगा कुछ इस तरह से। फैट स्नेप वो लिख रखेंगे, दूध भी लिखेंगे, दूध से तो आपको कोई मतलब नहीं है, कम होता है ज़्यादा होता है क्योंकि वो उनका मैटर है, और फैट और स्नेप इससे क्या है वो लिखे रहेंगे, आपको देख लेना है कि कितना फैट कितना स्नेप आया है टोटल दूध का। उसके बाद जब जो है दूध वहां उनका चला जाएगा तो वहां पर जितना दूध होता है, जितना फैट होता है कि जितना स्नेप होता है, तो ये जो मोबाइल नंबर वहां फिट किए होते हैं उस डेयरी में प्लांट पर जहां से उन्होंने डेयरी लिया है, तो वहां से उनके पास मैसेज आता है पर डे 10 से 11 के या 12 के बीच में आ जाता है। तो आपको एक काम करना है, मोबाइल का मैसेज और वो रजिस्टर का मैसेज, रजिस्टर में जो लिखा है दूध की मात्रा फैट एसएनएफ, तो जो मोबाइल पर मैसेज आता है वहाँ पर दूध फैट एसएनएफ आता है, तो वो आपको रजिस्टर से मिला लेना है। अगर रजिस्टर का फैट एसएनएफ ज़्यादा होता है तब आपको समझना है कि आपके दूध का फैट एसएनएफ कम कर देते हैं, यानी कि मशीन में गड़बड़ी है। अगर मैसेज में आया हुआ फैट एसएनएफ सही उतरता है तब आपको समझ लेना है सही, यानी कि जो है मोबाइल में लिखा है मैसेज वही मैसेज रजिस्टर में निकलता है, यानी कि वही फैट वही एसएनएफ, तब आपको ये मान लेना है कि मशीन बिल्कुल सही है। अगर मोबाइल का जो मैसेज आएगा फैट एसएनएफ अगर वो ज़्यादा है और रजिस्टर का फैट स्नेप कम है तो इससे साफ पता चल जाता है कि जो भी वहाँ पर डेयरी प्लांट पर हैं, यहाँ पर जो भी मशीन है उस मशीन में गड़बड़ी है। अगर मशीन सही होगी तो इसका भी मोबाइल का मैसेज और रजिस्टर का जो लिखा हुआ है दोनों सेम होंगे,
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों हम आपको अगर और अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें लाइव दिखाइए किस तरह से मैसेज आता है, किस तरह से दूध आता है, किस तरह से पर्ची निकाले जाते हैं, तो इसके विषय में वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।